ऑफिसर्स जब फौज छोड़ के बाहर आते हैं तो ऑफिसर्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि दे आर ऑल्सो आर्टिकुलेट, गुड कम्युनिकेटर्स, एक्सपोजर इज मोर। मैं हमेशा हैरानी होती है मेरे को कि जो जवान एक टैंक को खोल के जोड़ सकता है, जो जवान थर्ड जनरेशन मिसाइल फायर कर सकता है, जो जवान को आप हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए यूएन मिशन में भेजते हैं, जो जवान को आप इंडिया की न्यूक्लियर एसेट्स हैंडल करने की जिम्मेवारी देते हैं, उस जवान को सर्विस के बाद आप सिर्फ एक होटल के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दे रहे हैं। उस जवान में इतनी कैपेबिलिटी है, वो इतना कुछ कर सकता है, उसको लेवरेज करने की बजाय उसको एक सिंपल सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देना मेरे हिसाब से नेशनल वेस्टेज है। क्योंकि उस जवान को बना के तैयार करने के लिए कितने करोड़ों का खर्चा हुआ है वो शायद लोगों को पता नहीं है। एक जवान को ट्रेन करने के लिए लाखों का खर्चा होता है, फिजिकल फिटनेस, मेंटल रोबस्टनेस, हथियार की ट्रेनिंग, टीम वर्किंग, इंजीनियरिंग, सिग्नल कम्युनिकेशन, ये सब सीखने के बाद वो एक सोल्जर बनता है।